इस वीडियो में हम विंडो के टास्क मैनेजर का प्रयोग किस प्रकार करें इसकी जानकारी लेंगे। विंडो के टास्क मैनेजर को खोलने के लिए कंट्रोल अल्ट और डिलीट यह तीन कीबोर्ड के बटन एक ही साथ दबाने से विंडो का टास्क मैनेजर खुल जाएगा। इसमें एक चीज़ के प्रति सावधान रहें, अगर ये तीनों बटन आपने दो बार दबा दिए तो विंडो रिस्टार्ट हो जाएगा। टास्क मैनेजर को खोलने का दूसरा तरीका यह है, स्टार्ट बटन को क्लिक करें, उसके बाद रन बटन को क्लिक करें और जो खिड़की खुल जाएगी उसमें TASKMGR इस प्रकार लिख के एंटर बटन दबाएं या ओके बटन दबाएं। इससे विंडो का टास्क मैनेजर खुल जाएगा। इसमें पहला टैब एप्लीकेशंस नाम से है। इस टैब में आपको कंप्यूटर पर इस समय चल रहे विभिन्न प्रोग्राम के नाम दिखाई देंगे। टास्क मैनेजर में दूसरा टैब प्रोसेसेस नाम से है। यहाँ पर आपको आपके कंप्यूटर पर चल रहे विभिन्न प्रोसेसेस के नाम दिखाई देंगे। इनमें से ज़्यादातर प्रोसेसेस विंडो के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक होते हैं, जबकि कुछ प्रोसेस आपने इंस्टॉल किए हुए प्रोग्राम्स के होते हैं। अगर आपके कंप्यूटर पर किसी वायरस की कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल चल रही हो तो आपको उसका नाम इस जगह पर दिखाई देगा। तो विंडो के और इंस्टॉल किए हुए प्रोग्राम्स के नाम और वायरस फाइल में अंतर जानने के लिए आपको इन सभी नामों से परिचित होना आवश्यक है। लगभग 20-25 नाम आपको किसी भी समय प्रोसेसेस टैब में दिखाई देंगे। अगर आपके पास समय हो तो इन सभी नामों से परिचित होने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यही जानकारी आपको किसी भी नए फाइल को या नए प्रोसेस को तुरंत जानने के लिए काम आएगी। अगर आपको इस जगह पर कोई संदेहास्पद नाम दिखाई दे तो उसे आप सेलेक्ट करें और एंड प्रोसेस बटन दबाएं। इस प्रकार उस प्रोसेस को आप बंद कर सकते हो। कई बार वायरस के नाम विंडो के प्रोसेस के नामों के तरह ही होते हैं। वायरस की फाइल और विंडो की फाइल का फ़र्क जानने के लिए उस फाइल का कंप्यूटर के हार्ड डिस्क पर स्थान जानना जरूरी है। विंडो की प्रत्येक फाइल का हार्ड डिस्क पर एक स्थान निश्चित होता है। अगर यह स्थान आपको पता है तो उस स्थान के अतिरिक्त अगर किसी और जगह पर उसी नाम की कोई फाइल दिखे तो आप उसे वायरस समझ सकते हो। हार्ड डिस्क पर उस फाइल का स्थान विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 7 और विंडोज़ 8 आदि में टास्क मैनेजर के द्वारा दिखाई देता है, जबकि यह जानकारी विंडोज़ XP के अंदर आप नहीं देख सकते हो। इसलिए अगर आप विंडोज़ XP का प्रयोग कर रहे हो तो आप एक अन्य प्रोग्राम का उपयोग कर सकते हो। इसका नाम सिस इंटरनल्स प्रोसेस एक्सप्लोरर है। यह एक विनामूल्य सॉफ्टवेयर है जिसे आप इंटरनेट से डाउनलोड करके किसी भी प्रोसेस का हार्ड डिस्क पर स्थान जानने के लिए उसका आप प्रयोग कर सकते हो।